हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार बच्चों। अभी रजिस्ट्रिटी पर हम लोग बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में बात किया आपको कि रजिस्ट्रिटी डिफरेंट मटेरियल्स की लेवल लगभग किस रेंज की होती है। हम लोगों ने कुछ का लिखा भी था, नाम भी लिखा, और वायर बाउंड रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर, इनकी भी बात की है कि कार्बन के बने होते हैं, कार्बन रजिस्टर्स हैं। अब क्या है, अब ये टेम्परेचर डिपेंडेंस है। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बदलती है। बात भी पहले हो रही थी कि जो रिलैक्सेशन टाइम है, यानी एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, क्योंकि जब फ्री इलेक्ट्रॉन चलेंगे, हम सॉलिड की बात कर रहे हैं और सॉलिड कंडक्टर की बात कर रहे हैं, उसमें चलने वाले कौन से हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन के चलने में क्या होता है, बहुत सारे आयंस से कोलाइड करते रहते हैं, इंटरैक्ट करते रहते हैं, और सारे एटम से कोलाइड करते रहते हैं। ऐसे में क्या होता है, इनकी लगातार कोलिजन और डायरेक्शन का चेंज, रैंडम मोशन, ये सब उसमें होता रहता है। तो दो कोलिजन के बीच एवरेज टाइम इंटरवल इनका क्या होता है, बदलता है। और कब बदलता है, टेम्परेचर बढ़ाने से। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल गो रैपिड एंड दे विल मूव फास्टर देन अर्लियर, सो दे विल कवर गैप बिटवीन टू एटम्स, और यू कैन से दे विल मूव फास्टर बिटवीन टू कोलिजन्स, सो टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स विल डिक्रीज। सो एंड रेजिस्टिविटी हियर रो वॉज गिवन, रो एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ई स्क्वायर टाउ, सो दिस टाउ टाउ व्हाट हैपेंस, tau decreases as temperature increases, because at higher temperature okay, electrons travel faster, okay, between two successive collisions. So, दो कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब फास्टर चलते हैं, तेज चलते हैं, तो जल्दी से कवर कर लेंगे, तो जो टाइम इंटरवल कम होगा, जब एक कम होगा तो क्या होगा, रो क्या होगा, बढ़ेगा। तो टी बढ़ने के साथ साथ, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, जो रेजिस्टिविटी है वो जल्दी इंक्रीज होती है। और ये भी क्या है, जो रेजिस्टिविटी इज व्हाट इट इज, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ओके। रेजिस्टिविटी क्या है, इट इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, थर्मोमेट्रिक नाम सुने होंगे क्लास 11 में, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ये क्या चीज होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के साथ रेगुलरली चेंज होती है। सो दिस इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी विच वैरीज, ओके, विच वैरीज रेगुलरली विद वेरिएशन इन टेम्परेचर, वेरिएशन इन टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर के साथ जो रेगुलरली वेरी करने वाली जो क्वांटिटीज होती हैं, उनको हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर चेंज के साथ रेगुलरली वेरी करे, वो क्या होती है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें बहुत सारा नाम लिया होगा उस समय हम लोगों ने, वो गैस का, आइडियल गैस का वॉल्यूम एक्सपेंशन टेम्परेचर के साथ, सो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, दिस इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी विच वेरीज रेगुलरली विथ चेंज इन टेम्परेचर। थर्मल एक्सपेंशन इन मर्करी विच इज बेसिस ऑफ डिजाइनिंग अ थर्मोमीटर, मर्करी थर्मोमीटर, ये देखे होंगे, वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है थर्मोमीटर के। बल्ब को आप कहीं गर्म या पानी में ऐसे रखते हैं तो, या मटेरियल में कहीं भी टच कराते हैं तो थर्मल एक्सपेंशन होता है, और थर्मल एक्सपेंशन की वजह से क्या हो जाएगा, दिस
expanding mercury rises in the capillary of the thermometer, and where we read temperature with the help of this. Okay, because this changing length is directly proportional to changing temperature. Okay, changing mercury column, changing length of mercury column in the capillary, it is directly proportional to temperature, or you can say change in volume is directly proportional to temperature. So such properties which vary regularly with temperature are thermometric property. So resistivity is one of them. Resistivity also varies regularly with temperature. In all thermometric properties, one thing is common, and what is that? Let us see. Suppose this rho is thermometric property, means resistivity. This is the resistivity. Rho naught, this is resistivity at reference temperature. At reference temperature. जैसे हम बहुत सारे में रेफरेंस टेम्परेचर हम क्या 0 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, हमारे लिए क्या रेफरेंस टेम्परेचर हो गया वहाँ, और उसके बाद जो वेरिएशन होता है टेम्परेचर में, उसके बाद देखते हैं कि रेजिस्टिविटी में या अदर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या चेंज होता है, उसको हम पढ़ते हैं ऐसे। तो ये रेफरेंस टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी है। रेफरेंस टेम्परेचर क्या है? टी नॉट, मान लेते हैं ये टी नॉट है, मीन्स टी नॉट इज वॉट रेफरेंस टेम्परेचर। T is any temperature other than what? T naught, कुछ अलग temperature, जो T है वो अलग temperature है, T naught से अलग है। तो हम इस पर resistivity क्या हो जाएगी, कुछ बदल जाएगी, और ये resistivity क्या है? Rho T, this is resistivity एट टी। ऐसा हो, अगर ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है तो एक चीज होगा यहाँ पर, समझ रहे हैं कि चेंज इन रेजिस्टिविटी के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ये होगा, मीन्स रो टी माइनस रो नॉट, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट। ये होगा, एंड दिस चेंज इन रेजिस्टिविटी रो टी माइनस रो नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी एट रेफरेंस टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी एट रेफरेंस टेम्परेचर ये होगा ही होगा। तो फिर क्या होगा, ये जो हम बात अभी कर रहे थे दोनों कंबाइन कर लें, और रो टी माइनस रो नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो नॉट टी माइनस टी नॉट। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन, और कोई थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, इवन किसी रॉड में आप लीनियर थर्मल एक्सपेंशन करते हैं, किसी मटेरियल में वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, तो वहाँ पर भी वही होता है। वहाँ भी हम बहुत सारा देखते हैं कि हाँ ये चेंज इन वॉल्यूम वी टी माइनस वी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट चेंज इन टेम्परेचर, एंड वी टी चेंज इन वॉल्यूम इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम, ऐसा ये भी लिखते हैं। तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। प्रेशर ऐसे ही, गैस का प्रेशर भी वही है कि गैस का आइडियल गैस का प्रेशर पी माइनस पी नॉट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट, एंड अगेन पी माइनस पी नॉट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट। तो ऐसा है इनिशियल प्रेशर,
तो ये सब में, ये जहाँ पर भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होगी ये रिलेशन होल्ड करता है, इसीलिए थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी ही उसको बोलते हैं। तो आइए हम इस पर फोकस करते हैं। तो इस अब ये रिलेशन क्या हुआ, अब ये प्रोपोर्शनैलिटी है, हम इसको इक्वल लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, रो टी माइनस रो नॉट एंड दिस इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट। सो डोंट बी कन्फ्यूज विद दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन एंड कॉन्स्टेंट। हियर अल्फा, आई एम राइटिंग अल्फा, सो दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी साइन एंड दिस इज अल्फा। सो अल्फा रो नॉट टी माइनस टी नॉट। सो अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशियंट ओके ऑफ रेजिस्टिविटी। तो फिर हम इसको, अब यही अल्फा जो हम पहले बात पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये क्या होता है जो एलॉयज हैं नाइक्रोम कॉन्स्टेंटन मैंगनीन, इनमें उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत छोटा होता है रेजिस्टिविटी का, मीन्स टेम्परेचर बदलने पर वो बहुत थोड़ा बदलते हैं और साथ में लगभग एक कॉन्स्टेंट भी होता है, हर टेम्परेचर रेंज में लगभग वो कॉन्स्टेंट होता है, इसलिए हम इनका यूज़ करते हैं कई इंस्ट्रूमेंट में। तो यह इसको अगर डिफाइन करना हो, एक तो ये रिलेशन है, अगर अल्फ़ा को आप डिफाइन करना हो तो क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा दिस इज़ व्हाट रो टी माइनस, सॉरी दिस इज रो नॉट एंड डिवाइडेड बाय रो नॉट टी माइनस टी नॉट, ऐसा ओके। So this is what alpha is. Alpha is change in resistivity when rho naught is 1 ohm meter and T minus T naught is equals 1 Kelvin होगा। अगर ये भी 1 हो ये भी 1 हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा या इसको हम ये कह सकते हैं कि यूनिट पर डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर और पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर क्या रिलेटिव चेंज होता है रेजिस्टिविटी में, वही क्या है, अल्फा है, वही टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है। तो रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टिविटी व्हेन चेंज इन टेम्परेचर इज यूनिटी, दिस इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, सो अल्फा मीन्स दिस अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज के, सो टेम्परेचर कोफिशिएंट of resistivity is defined as the relative change means alpha is rho t minus rho naught upon rho naught okay when T माइनस टी नॉट इज 1 Kelvin, ऐसा लिख दें। तो क्या है, रिलेटिव चेंज इन रेजिस्टिविटी है ओके। सो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटीरियल इज डिफाइंड एज द रिलेटिव चेंज इन resistivity if change in temperature is unity, if change in temperature of material
ओके, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इज यूनिटी, अब क्या है इनको ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करते हैं हम जरा टेम्परेचर डिपेंडेंस, अगर इसको और इसको और हम थोड़ा और सिंप्लीफाई सिंपल वे में लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है इस चीज़ से ये एक इक्वेशन, यहाँ पर अगर ये देखिए यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं क्या रो, सो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको रो टी इक्वल्स रो नॉट प्लस अल्फा अल्फा रो नॉट टी माइनस टी नॉट, हो गया ऐसा, और रो टी ठीक है इक्वल्स रो नॉट वन प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। कोई भी चीज़ अगर आप थर्मोमेटिक प्रॉपर्टी वाला है तो ऐसे लिखा जाता है, आपको थोड़ा याद करिए एलेवेंथ में आप हर जगह पाए होंगे इस तरह की चीज़, अगर लीनियर एक्सपेंशन रहा होगा तो वहाँ पर भी ऐसे लिख रहे होंगे एल टी इक्वल्स एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी मीन्स वही टी माइनस टी नॉट, ऐसा होगा। तो ऐसे ही बहुत कुछ, गैस का भी वॉल्यूम देखेंगे तो वी टी इक्वल्स वी नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, इस तरह का तो ये आपको मिलेगा थर्मोमेटिक प्रॉपर्टी के मामले में ऐसा दिखेगा। अब क्या है ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जो वेरिएशन है देखिए क्या होता है, जो मेटल में ये बहुत कॉन्स्टेंट नहीं होता टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो इसलिए नॉन लीनियर होता है जनरली। ओके, सो इन मेटल्स, इन प्योर मेटल्स जनरली, इन प्योर मेटल्स टेम्परेचर कोफिशिएंट है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज नॉट कॉन्स्टेंट ओवर लार्जर रेंज ऑफ टेम्परेचर, लार्जर रेंज ऑफ टेम्परेचर। ओके, देयरफॉर रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ, देयरफॉर रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ, टेम्परेचर ग्राफ ऑफ मेटल्स, किसका प्योर मेटल्स, इज इन जनरल ओके नॉन लीनियर है ना, ऐसा कि वो लीनियर नहीं है। जैसे कॉपर का ये जो वेरिएशन है देखिए रेजिस्टिविटी का, वो क्या है कॉपर का, कॉपर में ये इस तरह का है, ऐसा वेरिएशन, ये रेजिस्टिविटी है इधर, और इधर क्या है टेम्परेचर है केल्विन, इन केल्विन ऐसे। तो यहाँ पर जीरो, ये क्या है 50, यहाँ पर 100 और यहाँ 150 ऐसे, ये केल्विन। तो इस पार्ट में देखने में लग रहा है कि हाँ कुछ लीनियर हो सकता है ऐसे, लेकिन हर जगह क्या है ये लीनियर नहीं है। हम इनकी वैल्यूज लिख सकते हैं, तो ये वेरिएशन रेजिस्टिविटी का, ठीक, ये 1.5, 2 और ये हम कह सकते हैं 3 और ये, तो ऐसे बढ़ते जाएंगे और 4.5 ऐसा, तो ये काफ़ी होता जाएगा। और इसके बाद जो रेजिस्टिविटी है
एलॉयज की, हम पहले भी कह दिए कि एलॉयज की जो रेजिस्टिविटी है वो लगभग बड़े रेंज में कांस्टेंट होती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसलिए रेजिस्टिविटी क्या होती है लीनियरली वेरी करती है। तो जो दूसरी चीज़ है क्या है, इन केस ऑफ एलॉयज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट ओवर अ लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसलिए क्या होता है, इसलिए ये जो ग्राफ आता है रेजिस्टिविटी, सो ये चीज़ कह रहे हैं मीन्स रो टी माइनस रो नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट टी माइनस टी नॉट मीन्स टेम्परेचर के साथ क्या होता है ये लीनियर आता है, ठीक है, क्योंकि ये अल्फा जो है कांस्टेंट होता है बदलता नहीं है, तो जब नहीं बदलेगा तो निश्चित ही लीनियर ग्राफ आएगा। सो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ ग्राफ इज मोस्टली लीनियर, यहाँ 0.5 1 1.5 ऐसा कर दें तो ये वेरिएशन आप देख पाए, देख लीजिए अच्छी तरह यहाँ। और इसके बाद हम एलॉय की बात कर रहे थे, तो एलॉय में बड़ी रेंज तक क्या होता है, ये तो कॉपर का था है ना, ये कॉपर के लिए है, और एलॉय में देखिए कॉपर के लिए जो रो की वैल्यू थी 1.7 × 10⁻¹⁸ ओम मीटर, ये किस पर था, 0 °C पर था, 0 °C पर। तो जो उस टेबल की हम बात कर रहे थे कि रेजिस्टिविटी आपके टेक्स्ट बुक के टेबल में दे रखी है सब, और कई टेबल्स में देख रहे हैं, तो जनरली वो क्या 0 °C पर देते हैं। तो जो हम नाम ले रहे थे कि 1.6 सिल्वर के लिए, सिल्वर के लिए क्या है 1.6 रो क्या है 1.6 × 10⁻¹⁸ ओम मीटर, तो ये क्या है, ये सब 0 °C पर था। तो यहाँ पर भी जो नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी थी 100 × 10⁻¹⁸ ये भी 0 °C पर था, और यहाँ केल्विन में टेम्परेचर है और रेजिस्टिविटी आपका इधर, और ये हो जाएगा। तो देखिए इवन 0 केल्विन पर भी 200, 400, 600 केल्विन समझते हैं, 273 केल्विन में जी केल्विन आप 0 °C को बोलते हैं, तो ऐसे में आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। और यहाँ पर रेजिस्टिविटी क्या है, लगभग क्या है, वही 100 के आसपास ऐसा होता है। तो ये कितना है 1.1 और ये 1.2, ऐसे में ये रेजिस्टिविटी आपकी किस में हो जाएगी, अब इसमें इनटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या है × 10⁻¹⁸, और यहाँ पर भी क्या है 10⁻¹⁸ इसके आसपास, या 10⁻⁶ यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻⁶ मल्टीप्लाई करेंगे इस केस में एलॉय के बारे में, तब ये रेजिस्टिविटी होगी, क्योंकि ये नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी है, ये नाइक्रोम के लिए है। तो नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी क्या होती है, 100 रो होती है 100 × 10⁻¹⁸, ये 0 °C पर है, 0 °C। और सेमी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, जो सेमी कंडक्टर से जिनकी हम बात कर रहे हैं, सो थर्ड वन, व्हाट रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर ड्रॉप्स
विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, ड्रॉप होती है सेमीकंडक्टर में। ओ इसका मतलब क्या होता है कि इनका जो टेम्परेचर कोफिशियंट रेजिस्टिविटी का, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी है वो क्या है, नेगेटिव है। इट मीन्स ओके, इट मीन्स सेमी कंडक्टर्स शो नेगेटिव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ के ऑफ रेजिस्टिविटी। और उसमें क्या होता है क्योंकि रेजिस्टिविटी नंबर डेंसिटी पर भी डिपेंड करती है, तो नंबर डेंसिटी बहुत कम होती है। और हम लोगों ने ये जो रिलेशन देखा है, देखिए कौन सा रिलेशन, ओके रो इक्वल्स एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, तो ये बढ़ने पर रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए, है कि नहीं। सो और यहाँ पर टाउ में बहुत अंतर नहीं आता है क्योंकि बहुत कम इलेक्ट्रिक फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स हैव स्मॉल डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके स्मॉल डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज, ओके कुछ खास चेंज नहीं होता, सिग्निफिकेंट चेंज कहाँ पर, रिलैक्सेशन टाइम है, ओके चेंज इन रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम ऑन इंक्रीज ऑन चेंजिंग टेम्परेचर, ओके ऑन चेंजिंग टेम्परेचर। लेकिन क्या होता है, टेम्परेचर से बढ़ाने से ये बढ़ जाता है, एन बढ़ जाता है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है, बट एन मीन्स क्या है, ये नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी, ओके नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। तो जब ये इंक्रीज हो जाएगा और इसमें कोई खास फर्क नहीं आएगा तो क्या होगा, रो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से रो कम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, एन बढ़ता है। सो टी इंक्रीजेस देन एन इंक्रीजेस, यही सेमीकंडक्टर का मेन वजह है। तो इसमें जो ग्राफ होता है वह ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ ये देखिए, ये ग्राफ इस तरह का होता है, रो टी एंड हियर टी, ये केल्विन में है और ये आप जानते हैं किसमें, ओम मीटर में। तो ये चीज, ये वेरिएशन हो गया, और तो बहुत काम का है ये रिलेशन और ये डिस्कशन। कई बार इससे क्वेश्चन आते हैं, देखने में बहुत सिंपल सा पार्ट लग रहा होगा लेकिन इससे आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ज़रूर दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो बच्चों आप ज़रूर पूरा वीडियो देखा करिए, अगले वीडियो के लिए मन से तैयार रहा करिए, और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए ज़रूर, पहले से आप चैनल से जुड़े हैं तो आप अन्य लोगों तक और लोगों तक वीडियो को पहुँचाइए, अपने कमेंट दीजिए, कुछ आपको दिक्कत या कमी दिखती है वो ज़रूर हमारे तक पहुंचाइए, ये आप और हमारे दोनों के लिए ठीक होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।